गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में मेरे साथ है प्रवीण जी, जो कि आप सभी के लिए एक ऐसी वैकेंसी लेकर के आए हैं जहां पर सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपके बल्ले बल्ले हैं क्योंकि यहां पर 30,000 रुपए तक आपको सैलरी मिल रही है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको सीखने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, साथ ही साथ सैलरी भी आपको ठीक ठाक यहाँ पर दी जा रही है। आज मैं उनके जरिए आपको पूरी जानकारी दूंगी कि ये अपॉर्चुनिटी इंडिया की कौन कौन सी लोकेशंस पर है, कौन से कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है, सैलरी आपको कितनी दी जा रही है, सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगी सर के ही जरिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी प्रेस किया हो। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग सर। जैसा कि आप हमारी ऑडियंस के लिए पहले भी कई सारी जॉब ओपनिंग्स लेकर के आ चुके हैं और अभी आप इस वक्त काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी सर आप हमारी ऑडियंस को अपना नाम बताएं और अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दें। मेरा नाम प्रवीण है और मैं फ्रीलांस रिक्रूटर हूँ। मैं रिक्रूट करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए, मोस्ट ऑफ ATM कंपनीज के लिए मैं हायर करता हूँ कैंडिडेट्स को, दिल्ली NCR, UP, हरियाणा एंड राजस्थान। ओके, तो अभी सर जो जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ये कौन सी प्रोफाइल पर है और कहाँ पर आई हुई है? ये फिलहाल अभी BNA प्रोफाइल है। BNA प्रोफाइल ATM रिपेयरिंग प्रोफाइल होता है। इसमें बच्चों को जो होता है ATM रिपेयर करना होता है, इसको लोकल टू लोकल ही ज्वाइन करना होता है। लाइक दैट लखनऊ का बच्चा लखनऊ करेगा, कानपुर का बच्चा कानपुर करेगा, या फिर झांसी का बच्चा झांसी करेगा, जो जहाँ का होता है वहीं पर होता है। और इसका जो रिक्वायरमेंट होता है ये पूरा अभी फिलहाल UP के लिए चल रहा है। मतलब अभी जो आपके पास वैकेंसीज आई हैं ये UP के लिए है, लेकिन आपके पास जो हायरिंग आती है ये UP, दिल्ली NCR और लखनऊ हरियाणा के लिए आती हैं? जी। अच्छा, अभी जो आप हायरिंग लेकर के आए हैं ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है सर या फ्रेशर कैंडिडेट के लिए? ये एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों के लिए है। फ्रेशर कैंडिडेट का इसमें CTC 13,000 जाएगा, 12th पास प्लस हार्डवेयर नेटवर्किंग होना चाहिए। दूसरा एक्सपीरियंस कैंडिडेट जिसको 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो ATM रिपेयरिंग का, उसका सैलरी जाएगा नियर अबाउट 31,000। ओके, इसमें बेसिकली काम क्या करना है सर, मतलब ATM रिपेयर? इसमें एक्चुअली एयर वाइज एरिया बढ़ जाएगा, आपको एरिया मिल जाता है और इस एरिया में आपको रिक्रूट किया जाएगा थ्रू द टेलीफोनिक इंटरव्यूज होंगे, एंड इफ़ दे फाइंड द सुटेबल द टेक्निकल पर्सन तो आपको लोकल की टीम से मिलवा देते हैं। लोकल की टीम में जो फ्रेशर बच्चा होता है उसको अंडर ट्रेनिंग रखा जाता है 10 से 15 दिन, और उसका पूरा ट्रेनिंग देके मॉड्यूल दे दिया जाता है कि ये सिटी आपका है, आपको इतने से इतना एरिया कवर करना है, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस बंदा होता है उसको तो पूरा सब कुछ कन्फर्म ही रहता है, उसको तो सिर्फ एरिया कन्फर्म करना होता है कि इस एरिया में आपको करना है। ओके, तो इसमें क्वालिफिकेशन में नेटवर्किंग का डिप्लोमा और डिग्री होनी ज़रूरी है, राइट? जी, हार्डवेयर नेटवर्किंग कंपलसरी, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो उसके बगैर कर नहीं पाएगा बच्चा, बिकॉज पूरा मशीन ही रिपेयर करना होता है। अच्छा सर, अगर हम लोकेशंस की बात करें तो प्रेजेंटली ये कौन कौन सी लोकेशंस पर हायरिंग है? यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, पहले UP की हम लोग बात कर लेते हैं। बस्ती, फैजाबाद, झांसी, लखनऊ, मुजफ्फरपुर, ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहेगा। इसमें जो CTC रहेगा वो 13,000 है, मैम समथिंग 11 समथिंग आएगा, एंड जो रहेगा इसका बाइक लाइसेंस कंपलसरी है, 4 रुपीज पर किलोमीटर का उसको अलग से मिलेगा। ओके, मतलब हरियाणा में बात कर लेते हैं, हिसार, पानीपत और रोहतक। अगर मैं एक्सपीरियंस पे अब चले जाएं जिनकी सैलरी 30,000 रहेगी उनकी बात कर लेते हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, अम्बाला, बठिंडा, होशियारपुर, लुधियाना, गोरखपुर, हरिद्वार, साउथ दिल्ली और चंडीगढ़। ओके, मेल और फीमेल सर दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ओनली मेल्स। ओनली मेल, जी। ओके, कब तक ये वैकेंसी सर ऑन है, कब तक बच्चा जो है वो अप्लाई कर सकता है? देखिए, इसमें पर्टिकुलरली कोई ज़्यादा ओपनिंग नहीं आता है, पर्टिकुलर जो होता है सिटी वाइज रहता है, एक सिटी पे 2 या 3 बंदों को हायर किया जाता है। अभी रिक्वायरमेंट है तो जैसे जैसे बच्चा आता रहेगा फुलफिल होती रहेगी, ओपनिंग क्लोज होती रहेगी, टेलीफोनिक इंटरव्यूज के चल रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, मतलब जो इंटरव्यू होंगे वो टेलीफोनिक के ही इंटरव्यू होंगे, उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा सर? उसके बाद में प्रोसेस ये रहेगा, उसको लोकल टीम से जाके मिलना होगा, बाकी का प्रोसेस लोकल टीम कराएगी। ऑनलाइन ही सिलेक्शन हो जाएगा, फोन पे ही उसका सिलेक्शन हो जाएगा? जी बिल्कुल, पता चल जाएगा उसको कि वो सिलेक्टेड है या नहीं, फिर उसके बाद वो आए ज्वाइन। हाँ, उसको बोल दिया जाएगा कि आपका ये चीजें क्लियर हो गया है और इस तरीके से है, उसको लोकल टीम कोऑर्डिनेट करेगी, ही हैज टू बी गो टू देयर
वहाँ पे जाके वो मिलेगा और चीज़ें कंटिन्यू हो जाएगी। ओके, कोई फीस कोई चार्जेस वगैरह है क्या सर? कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, डायरेक्ट ज्वाइन। ओके, इस वैकेंसी के अलावा सर और कौन कौन सी वैकेंसीज हैं सर आपके पास, उनके बारे में? अभी मेरे पास काफ़ी सारी चल रही हैं, अभी मेरे को जो सेक्टर 2 नोएडा में चाहिए, वहाँ पे क्या होता है मेरे को बाइकर्स चाहिए जो ATM को देखते हैं, वो एक अलग सिनेरियो है, उसका मैम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, क्योंकि अगर इसमें बताऊंगा तो बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि कोई जो बच्चा है जो कि 12th पास है, जिसकी क्वालिफिकेशन 12th पास है, और अगर वो फ्रेशर है या फिर किसी फील्ड में एक्सपीरियंस रखता है, तो अगर वो आपके पास आता है तो आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी रहेगी उसके लिए? मेरे पास 99% जो रहती है बैंकिंग सेक्टर में ही रहती है, और अगर 12th पास है केवल तो मेरे पास में ATM प्रोफाइल रहता है, उसमें गाड़ी में बैठ के जाना होता है, कैश वैन में उसको कैश लोड करना होता है ATM मशीन्स में जाके। उसके अलावा जो टेक्निकल पोजीशंस आ जाती हैं, फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है उसके लिए। ओके, और सैलरी पैकेज सर स्टार्टिंग आपके पास कितना हो जाता है? स्टार्टिंग 13,000 से स्टार्ट होता है, फिर अप टू दैट द एक्सपीरियंस, जैसे कि अभी एक्सपीरियंस 1 ईयर का है तो 31,000 सैलरी है उसका ऑलरेडी। सर आप अप्लाई करने के लिए क्या बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर या कोई फॉर्म दे रहे हैं, कैसे लोग आपसे? मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा जी, बिल्कुल ये चीज़ क्लियर कर दूँ बच्चों को, बेटा मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, यू हैव टू कॉल मी 11 to 2 के बीच में आप लोग कॉल करोगे, मीन वाइल 99% मैं कॉल उठा ही लेता हूँ, किसी वजह से कॉल नहीं उठा पाता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, लोकेशन लिखिए लखनऊ 4 BNA पोजिशन, और आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप शेयर करूंगा, वहाँ पर फिर हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार होता ही है कि आप लोग को टाइम देने के बाद में कई बार मीटिंग्स हो जाती हैं, क्लाइंट्स पे चले जाते हैं, तो थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हो जाता है, 2 बजे के बाद बिल्कुल भी कॉल ना करें और संडे को कॉल ना करें, अगर कुछ ऐसा है तो आप मैसेज करके छोड़ दीजिए, वी विल रिवर्ट यू। मतलब दोपहर में 11 बजे से 2 बजे के बीच में ही कॉल करें? जी। ओके, ठीक है सर, तो ये सारी जानकारी जो है मैं अपनी वेबसाइट पर भी पोस्ट कर देती हूँ, प्लस मैं डायरेक्ट आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे देती हूँ। बहुत सारी सर ओपनिंग्स आपके पास आई हैं जो कि आप इस वीडियो में नहीं अगली वीडियो में बताएंगे, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर दीजिए, वो भी मैं jobnow247.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके द्वारा पोस्ट करवा देती हूँ, ताकि लोग उसमें भी अप्लाई कर सके घर बैठे। और इस वैकेंसी में तो सर ऑनलाइन सेशन भी हो रहा है, मतलब बच्चों को घर से पता चल रहा है, तो आप इसके लिए भी लोगों को रिक्रूट कर लीजिए। डन, श्योर, आप कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो गाइज, आई होप मैंने आपको सर के ज़रिए एक और नई जॉब वैकेंसी के बारे में बताया, और अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, सूटेबल हैं, आप यहाँ पर घर बैठे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप गूगल पर टाइप कीजिए www.jobnow247.in, आप इस तरीके से इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, डिटेल इन्फॉर्मेशन को रीड आउट कीजिए। अभी ये वैकेंसी UP और साथ ही साथ अदर स्टेट्स में भी निकली है, हरियाणा में निकली है, दिल्ली में निकली है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं या फिर अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास नेटवर्किंग का जो डिप्लोमा होता है वो आपने किया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई गाइस, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कोई नई लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।